सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, तो फटाफट से देख लेते हैं। मीन प्रपोर्शन का मीनिंग क्या होता है? मीन प्रपोर्शन का मीनिंग होगा कि सिक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू वाई, राइट, या फिर सिक्स इक्वल टू रूट एक्स वाई, दोनों एक ही चीज़ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पूरा रूट हमें करना होगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, राइट। सो दोनों साइड पर स्क्वायर करेंगे तो 36 इक्वल टू एक्स इंटू वाई, एंड यहाँ से x या फिर y की वैल्यू हम बाकी वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे या फिर पुट करेंगे। सो सेकंड वर्ड इज दैट कि 48 इज अ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ x एंड y। सो 48 इज अ थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शनल के बहुत सारे सम्स हमने आगे दिखे हुए। सो x अपॉन y इक्वल टू y अपॉन 48, तो इसमें जो है राइट थर्ड प्रोपोर्शन में है, तो जो सेकंड नंबर होता है x और y में, तो टू टाइम्स रिपीट होगा सेकंड नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो 48x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एंड दो तरीके से हम ये सम को सॉल्व कर सकते हैं, हमारी मर्जी से एक्स वाई जनरेट करो। तो मैंने दोनों साइड पे y से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये बाकी के स्टेप्स है कि x की वैल्यू हमने यहाँ पे जाके पुट कर दी, जो बहुत ही जनरल मैथड है, ये मैथड से आप जाओगे तो गुड, बराबर। फिर ये y ऊपर चला गया तो वाई क्यूब बन गया, तो दोनों में सेम ही टर्म बनेंगे, एज सच ऐसा कुछ बड़ा सा डिफरेंस नहीं आने वाला, बराबर। सो उसके बाद 48 इंटू 36 इक्वल टू वाई क्यूब, एंड 48 के ऐसे फैक्टर्स मुझे निकालना है बिकॉज मुझे पता है सामने वाई क्यूब है, तो जानबूझ के क्यूब बनेगा ऐसा। तो 8 सिक्स जा लिखा मैंने, एंड 36 आई नो 6 इंटू 6 होता है, तो 3 6 मिल गए मुझे, और 8 इज नथिंग बट 2 क्यूब, तो एक मैंने 2 ले लिया, एक मैंने 6 ले लिया, एंड आई गेट द आंसर 12। यही आंसर को आपने यहाँ पे पुट किया हुआ है कोई भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट वाले में पुट करोगे तो भी चलेगा, वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। सो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। थैंक यू।